देखिए ये हमारे माई टाउन माई प्राइड के अंडर हमें पैसा दिया गया था और ऑनरेबल एलजी साहब जब यहाँ आए थे तो उसमें ये सेंक्शन हुए थे पैसे और आज हमने इसका इनॉग्रेशन किया। और मेरी पूरी कोशिश है कि बारामूला टाउन में जो भी हम से हो सकता हम अपना बेस्ट दें अपने लोगों के लिए। और आज बड़ी खुशी है कि हमने ये इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ जो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको बेंच और ऑर्नामेंटल लाइट्स भी लगने वाली है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के, चाहे ये जो आसपास के स्कूल्स हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जब तक हमारा एक जो करियाबा पार्क की भी डेवलपमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, तो पूरा फोकस है कि यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे वो कम से कम बैठ सकते हैं, थोड़ा एंगेज हो सकते हैं। हमारी जो कंसर्न वार्ड मेंबर है जसबीर जी, इनका बड़ा शौक था कि हमारे जो संगरी कॉलोनी में एक जिम लगे बच्चों के लिए और झूले लगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई स्पेस नहीं थी जहाँ पे बच्चे खेल सकें। तो आज हमने इसको यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डाला जो कि काम यहाँ पे लगा हुआ है। और इससे जो भी हमारे संगरी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे हैं वो कम से कम यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और मकसद ये है कि थोड़ा बच्चों की जो एनर्जी है उनको चैनलाइज करने के लिए भी हम कोशिश करें, अच्छी जगह और भी डेवलप करें पूरे टाउन में जहाँ पे हमारे बच्चे खेल सके। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्क में कम जाते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि अगर गुलार पार्क की बात करें वो दूर पड़ता है, तो संगरी में जो लोकल बच्चे हैं वो यहाँ आएंगे। तो हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगी तो आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह अपने जो हमारे छोटे बच्चे हैं टाउन के, इनके लिए कोई ऐसी स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे वो खेल सकें, जहाँ पे वो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। और मेरा ये भी आइडिया है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो हम कोई कंपटीशन करवाएं बच्चों को, अगर कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा हो, कोई सिंगिंग में अच्छा हो, कोई ऐसी स्पेस क्रिएट करने की जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सके और उस टैलेंट को हम प्रमोट करें। और उन लोगों को जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट के सहारे कमाते हैं, तो उस टैलेंट को भी हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू, चाहे कहीं दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे स्टेट्स में पहुँचाने की। क्योंकि अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, खाली प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं चाहे म्यूनसिपैलिटी के लेवल से, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जान पहचान है, उस लेवल पे हम चाहते हैं कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, हमारे बच्चे कम्पीट कर सके कल अच्छी जगह। तो मैं खास तौर पर हमारे जसबीर जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने स्पेस आइडेंटिफाई की और इस पर बहुत इनका बड़ा हाथ है। मैं तो आई बहुत खुश हूँ क्योंकि ये तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी खेलने के लिए कूदने के लिए, क्योंकि पार्कें तो हमारे यहाँ थी और एक्चुअली बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं। मैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मेरी बड़ी हेल्प की इसमें। मैं तो आज बहुत खुश हूँ आपके इसमें कि यहाँ बच्चों के लिए कोई पार्क बनी, जिम पार्क बनी। थैंक यू।